नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जारी है। इस वक्त हम जौनपुर के शाहगंज में मौजूद हैं, मुस्लिम बस्ती में। यहां पर हम तमाम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अधिकांश लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं, क्या माहौल है दादाजी, इस बार किसे विधायक बना रहे हैं? यहाँ इस वक्त हम लोग जो है इंद्रदेव जी को बना रहे हैं। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं शैलेंद्र यादव ललई, उनका काम काज कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है पहले, लेकिन अब नहीं तो कोई विकास उन्होंने ललई यादव ने नहीं किया। हाँ, कोई हमारे गांव में कोई विकास नहीं उनका है, ना ही। इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? इस वक्त हम लोग बदलाव चाह रहे हैं और 5 साल तक इनको देखेंगे। अगर ये भी सही उतरे तो ठीक है, नहीं तो 5 साल के बाद में इनका भी बदलाव हो जाएगा। क्या माहौल है इस बार, किसे विधायक बना रहे हैं? इंद्रदेव का। और यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं शैलेंद्र यादव ललई, काफी लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनका कामकाज कैसा रहा? 5 साल हो गए, सड़क बनी नहीं। बगुना जी की बिटिया यहीं इलाहाबाद में रहते रही, वह सड़क की पटवाई दी हम जाके फैजान जी। हाँ, नहीं आप जाते हैं यहाँ तक, वो तो 3 साल हुआ है। बगुना जी की वे रीता बनवाई दी है सांसद जो थी। हाँ, सांसद। चलिए, और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानते हैं, इस बार क्या माहौल है, किसे विधायक बना रहे हैं? बस जो अभी आपने सुना वही, उन्हीं को हम लोग विधायक बना रहे हैं। यानी बीएसपी कैंडिडेट पर पूरी तरह से भरोसा जी, जी। समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं शैलेंद्र यादव ललई, मंत्री भी थे, उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज अच्छा रहा। तो फिर उन्हें भरोसे पर क्यों नहीं लिया? नहीं, उनको नहीं लिया जाएगा। इस वक्त उन्होंने जो काम किया बहुत गलत काम किया। 5 साल से उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जो उनके बारे में हम लोग कुछ सोचे और कुछ करें, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं बदलाव। क्या चाह रहे हैं भैया, इस बार किसे विधायक बना रहे हैं? देखिए, अभी तो भाई जो कार्यकाल चल रहा था ललई यादव जी का, कुछ खास नहीं हमें रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे, लेकिन अब की बार कुछ बदलाव होगा बीएसपी का, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे हम लोग। और इंद्रदेव यादव जी को अब की बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं भाई, बिल्कुल। और अगर वो भी अगर कुछ हमारी इस पर खड़े नहीं उतरे तो उनको भी अगले 5 साल में। एक चीज़ हमें ये बताइए, जैसे मान लीजिए एक जो विचारधारा लंबे समय से चली आती है कि मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में है, बिल्कुल, इसके बावजूद भी आप लोग जो है समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने की कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मायावती जैसे जो गुंडा राज चल रहा था भाई, बहन जी के राज में थोड़ा सा ये इस चीज़ का बहुत वो हुआ है, मतलब कंट्रोल में आया था इस बार जो सरकार बनी थी उनकी तरफ से पहले, लेकिन अभी जो है करंट में हम चाहते हैं भाई अपनी बहन जी का मतलब पूरा सपोर्ट करें और उनकी सरकार बनते हुए देखें भाई, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनका। किसे विधायक बना रहे हैं इस बार भैया, किसे विधायक बना रहे हैं? विधायक जो गांव वाले बनाएंगे जिसको चुनेंगे वही हम काम ये। यहाँ के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ललई के कामकाज से संतुष्ट नहीं है? गांव वाले संतुष्ट नहीं तो हम कैसे रहेंगे? तो क्या इस बार भी आप पूरी तरह से बीएसपी कैंडिडेट के फेवर में हैं? आपको बताया ना, जो गांव वाले की मर्जी रहेगी वही छोटे करेंगे, बड़े का जो मर्जी रहेगी जो बड़े कहेंगे वही हम लोग करेंगे। चलिए, और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानते हैं, किसे विधायक बना रहे हैं इस बार? वक्त हम लोग बीएसपी को बना रहे हैं क्योंकि ललई यादव जो है काम के नहीं है, वो सिर्फ अपना बना रहे हैं, दो चार चपंडू पाल लिए हैं, उन्हीं को लेकर घूमते हैं, कोई काम नहीं करते। अच्छा, एक चीज ये बताइए, सड़कें काफी जो है खराब हैं शाहगंज में, काफी लंबे समय से विधायक रहे थे, तो जब अगर एक बार उन्होंने खराब काम किया तो फिर आप लोगों को बदलाव करना चाहिए था ना? उस बार से सब सारी चीजें, तमाम चीजें जो है मूलभूत समस्याओं से पूरी तरह से शाहगंज कहीं कहीं वंचित है और लंबे समय से वो विधायक रहे हैं। वो हमेशा यही कहते रहे कि इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, 4 बार वो विधायक हुए, एक काम नहीं किए। मंत्री होते हुए भी हम लोग गए मिले कि बिजली का तार हम लोग का खराब है, लेकिन कुछ नहीं किए। इस बार क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। किसे विधायक बना रहे हैं? सरकार भी बदलाव चाह रहे हैं, विधायक भी बदलाव चाह रहे हैं। विधायक किसे बना रहे हैं? इंद्रदेव को।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की। यहाँ के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ललई के कामकाज से लोग काफी नाराज हैं और उसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने जनता से काफी दूरी बनाकर रखी है। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कहीं न कहीं वो उनके पास तक पहुंच तो रही हैं लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग उनसे खासे काफी नाराज हैं और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और विकल्प के तौर पर बीएसपी के कैंडिडेट इंद्रदेव यादव को भरोसे पर ले रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो इस बार बेहतर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे से उस हिसाब से दिशा और दशा तय की जाएगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।